ओडिशा सरकारी कर्मचारियों में पेंशन भोगियों के लिए डीए वृद्धि। ओडिशा सन टाइम्स 24 अप्रैल 2018 भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2018 सेकंड पूर्वदर्शी प्रभाव के साथ महंगाई भत्ता डीए बढ़ाया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए को कुल 2% तक बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व संशोधित दर पर पेंशन आकर्षित करने वाले पेंशन भोगियों को 2% की महंगाई राहत डीए में वृद्धि होगी। इसके अलावा पूर्व संशोधित दर पर पेंशन भोगी पेंशन ड्राइव नहीं करते हैं, उन्हें अतिरिक्त टीआई 3% मिलेगा। पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने डीए में 1% की वृद्धि की थी।